हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर और आसान तोरण बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए ये 3 प्लाई ऊन ली है फर वाली। तो ये 100-100 ग्राम के गिट्टे आते हैं, तो मैंने 2 गिट्टे लिए हैं। दिखाऊंगी लास्ट में कितनी ऊन लगी है और कितनी बची है। 11 नंबर क्रोशिया से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। तो तोरण पट्टी हम सिंपल और बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी बना रहे हैं और लेमन कलर में बनाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 15 चेन लेनी है यहाँ। तो इस तरह से 15 चेन ले लेनी है और अब 1 2 3 तीन चेन छोड़ देंगे और चौथी में डाल लेंगे। और ये पूरा राउंड डबल क्रोशिया में बना लेंगे। इस तरह से एक राउंड डबल क्रोशिया का बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से डबल क्रोशे का राउंड हो गया। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, एक डबल क्रोशे और बना लेंगे नेक्स्ट चेन में। इस तरह से फिर एक चेन लेनी है और फिर 1 2 3 4 चार डबल क्रोशे छोड़ देने। तो इस तरह से 6 इधर हो जाएंगे डबल क्रोशे, 6 इधर और बीच में डालना है। बीच में डाल के इस तरह से डबल क्रोशे बनाने, 6 डबल क्रोशे। ये 6 डबल क्रोशे हो गए। बीच में एक चेन लेनी है और फिर 1 2 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे छोड़ के फिर से 2 डबल क्रोशे बनाने लास्ट के। तो बिल्कुल आसान तोरण पट्टी है। तीन चेन, तो इस तरह से हमें कंटिन्यू सेम राउंड लेने हैं, इसे ही रिपीट करते जाएंगे। इस तरह से एक चेन और अब 1 2 3 3 डबल क्रोशिया इधर और 3 डबल क्रोशिया इधर। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया के बीच में डाल के फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाने। इस तरह से कंटिन्यू बनाते जाएंगे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये बनके तैयार होगा। लास्ट में फिनिशिंग कर लेनी है। फिनिशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से 3 चेन। तो मैं पूरी तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेती हूँ। कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग करके मैं दिखाती हूँ किस तरह की ये दिख रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तोरण पट्टी बना के तैयार कर ली है और फिनिशिंग कर ली है। 2 सिंगल क्रोशिया 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, तो हर एक राउंड में डाला है इस तरह से और इसकी फिनिशिंग कर ली है। ये देखिए, ये निखर के आया है डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के बाद। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं इस पर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो एक पेटल मैंने बनाई है, मैं दिखा देती हूँ और दूसरी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने बना के एक पेटल तैयार की है। ये स्टार्टिंग से ही एक राउंड मैंने छोड़ा है यहाँ पर येल्लो वाला, उसके बाद मैंने शुरू किया है। अब भी इस तरह से
कम ज़्यादा स्टार्टिंग से या ऐसे बना सकते हैं। और ये देखिए एक बचा तब तक बना लिया है, और ये मैंने झालर बांध ली है इसमें इस तरह की। तो ये झालर वगैरह ऑप्शनल है, ऐसे भी रख सकते हैं या पोम पोम बोल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पेटल बना के दिखाऊंगी आपको ये डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा डिज़ाइन है। तो ये मैं 3 पेटल में तोरण बनाने वाली हूँ, तो इसका साइज़ नाप के ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2 पेटल और बनानी है, तो एक मैं बना के दिखा रही हूँ आप सभी को। ये देखिए ये यहाँ तक आ गया, तो दूसरा भी हमें यहाँ तक आए, इसलिए ये थोड़ा सा 1, 2 और ये 3 बॉक्स छोड़ रहे हैं। 2 छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं, जिससे इधर की ये जो जगह आई है इधर भी थोड़ा जगह सही आए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पिंक वाले कलर से ही करेंगे, पर्पल कलर से। पांच चेन लेनी है, 2, 3, 4, 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ यूज करेंगे पूरे डिज़ाइन में। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर 1, 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक और सेम जगह पर ही बनाना है। इस तरह से ये 2 बॉक्स बन गए, ये देखिए। अभी 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए 5 चेन लेके, और फिर जगह हमने 2 बॉक्स इसमें तोरण पट्टी की फिनिशिंग के छोड़े हैं बीच में। तो आप भी इस तरह से 2 बॉक्स छोड़ सकते हैं, इससे खिंचा हुआ भी नहीं रहेगा और ज़्यादा लूज भी नहीं होगा। और 1, 2, 3 ट्रिपल क्रोशिये का धागा और यहाँ पर डाल लेना। एक 2 चेन बीच में लेनी है, फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक 2 ट्रिपल क्रोशिया, यानी 3 ट्रिपल क्रोशिये बनेंगे और बॉक्स 2 बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने जितनी पेटल चाहिए उस हिसाब से आप 2 पेटल में भी बना सकते हैं तोरण, या 3 में भी बना सकते हैं, और भी बड़ा बनाना हो तो 4 में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने 8 इसमें पैटर्न जो बनाया है इसमें 8 बॉक्स बनाए, तो 2 हो गए। 5 चेन लेके 6 और बना लेते हैं। सेम 2 बॉक्स छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। राउंड कंप्लीट करके फिर हम आगे का दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लिया है, ये 8 जगह पर बना लिया है। अब हम कलर चेंज करेंगे इसमें। कलर आप कैसे भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। मैंने ये इस तरह से बना के और फिर ये जोड़ लेती हूँ। इस तरह से बांधना है और फिर 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4 और अब ट्रिपल क्रोशिया यूज़ करेंगे पूरे डिज़ाइन में। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने, 1, तो इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए चेन वाले इसमें। और अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में बनाने 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए तो 6 ट्रिपल क्रोशिया ये मैंने एक में बनाए हैं। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर बांध लेना है, जो 5 चेन ली थी पिंक कलर वाली।
फिर चेन लेंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट में। तो बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है और अच्छे से समझ आ जाता है, बिल्कुल सिंपल और आसान है और देखने में बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो इस तरह से पूरा ट्रिपल क्रोशिया में बनाना है। तीन और तीन ही नेक्स्ट में, तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, सभी में बना लेते हैं। उसके बाद फिर पिंक कलर का राउंड आएगा, फिर लेमन कलर का, फिर पिंक का, फिर लेमन का। तो अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट राउंड और बना के दिखाऊंगी, तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ तब तक। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, इस तरह का डिज़ाइन ये बनेगा। नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे यहाँ से, इस वाले को छोड़ देंगे, इस तरह से कम होते जाएंगे। अभी 8 बनाए हैं, फिर 7, 6, 5, 4 इस तरह से बनते जाएंगे और ये हमें यहाँ बीच में डालना है। पांच चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 फिर ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट में यहाँ पर। तो इसी तरह से कंटिन्यू बनता जाएगा और जब तक एक बचेगा हमें कंटिन्यू बनाना है यही डिज़ाइन। तो बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो इस तरह से कंटिन्यू बना के राउंड तैयार कर लेंगे, फिर ये वाला राउंड, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरह से कंटिन्यू बनता जाएगा और जब तक एक बचेगा बना लेना है। ये देखिए, सिंपल झालर बांधनी है। अगर पोम पोम बॉल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी डिज़ाइन कैसा लग रहा है और कितनी ऊन इसमें लगी है और कितनी बची है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पेटल मैंने पूरी कर ली है बना के। ये देखिए, एक बच्चा तब तक बनाती गई, ये तैयार हो गया है और ये लटकने मैंने बांध लिए साइड में। दिखा देती हूँ कैसे बांधनी है। साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से राउंड ले लेने हैं। और यहाँ पर बांध लेना है इसे। तो इस तरह से ये झालर बांध के लगानी है।
तो ये देखिए ये तैयार है। बीच में भी मैंने लटकने लगाई हैं दो, ये देखिए इस तरह से लगा लेना है और कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है और तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है तीन पेटल में। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।